क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? देखिए, 12 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा मथुरा से हमने शुरू करी थी, बांके बिहारी के दर्शन करके, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग पूरा हो गया, बुंदेलखंड पूरा हो गया है। अब आज के बाद यहाँ से लखनऊ, लखनऊ के बाद कल से हम निकल पड़ेंगे पूर्वांचल के लिए, परसों से। तो ये लगातार 30 तारीख को हम अयोध्या, लगभग लगभग पूरा प्रदेश में हमारा ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा करके अयोध्या में पूरा कर लेंगे। तो ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा इसलिए शुरू की है, इस समय पूरे देश और प्रदेश में किसी भी वर्ग की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत परेशानी में है, सब जनता भी परेशानी है, परेशानी में है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। वो परेशान इसलिए भी हुए हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बहुत इन्होंने वादे किए थे, बहुत वादे किए थे, एक तो वादा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये कोई भी ये वादा पूरा नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ वादा किया था कि हम काला धन, जितना भी काला धन बाहर विदेशों से लेकर के जितना भी जमा है हम ले आएंगे और ला के सबके घर में भेज देंगे, 15-15 लाख रुपया, वो भी नहीं भेज पाए, और भ्रष्टाचार हम 100 दिन में ख़त्म कर देंगे, और 7 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, तो 4.5 साल हो गए हैं, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। छात्रों को, नौजवानों को आश्वासन दिया था कि 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी दे देंगे, तो 7 साल से ज़्यादा हो गए, 8 साल होने जा रहे हैं, तो अभी तक तो कम से कम 14 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने वाली है। अच्छा, जैसे आपने संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया, तो इस संकल्प यात्रा में आप अपनी चुनाव, मान लीजिए जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से चल रहा है, और उसमें जब आप विजय हो जाएंगे, मतलब पूरी आपकी जो है, तो उसमें जनता के लिए क्या संकल्प आप देखिए, हम पहले तो जानते हो, आप लोगों ने देखा भी है, हम देश सरकार चलाए, तो हमने जो भी वादे किए थे वादे सब पूरे कर दिए, और ऐसे ऐसे फैसले लिए थे। अब आपने देखा होगा 4.5 साल हो गए, किसी भी रोड पर काम हुआ, कोई पुल कहीं दिखा, और हम लोगों की सरकार में देखिए जितनी भी शिक्षा मामला पूरा का पूरा हम लोगों का काम किया हुआ है, पूरे तो शिक्षा मामला आज भी चल रहा है, चलिए अच्छी बात है कि चलते रहना। तो अभी बीच में कोरोना जैसी बीमारी आई थी, अगर देख लीजिएगा लखनऊ में कितने कितने बड़े अस्पताल, अगर ये अस्पताल नहीं होते तो क्या, इन्होंने 4.5 साल में केवल पत्थर तो लगाए हैं, काम कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो वही तो हम जानना चाह रहे थे कि आपने क्या संकल्प लिया है, यानी इन्होंने काम नहीं किया, आपकी सरकार जब बनती है, तैयारी से आप हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से आए, तो आपने जनता के लिए क्या संकल्प लिया? देखिए, हमने सरकार बनाने के लिए तो पहले तो बात कहा है कि सभी समान विचारधारा और इस पार्टी में और सेकुलर पार्टी में, और हम एक राष्ट्रीय पार्टी पार्टी से जरूर हम ऐलान करेंगे, बंधन करेंगे, उसके बाद सरकार बनाएंगे।